बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान हज़रत ख़ान दुरानी और आप लोग देख रहे हैं खबरी न्यूज़। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुल उस्मान सीज़न 5 की हर नई खबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आज भी मेरे पास बहुत सी खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ATV की तरफ से ट्वीट आई है कि आज रात 10 बजे कुल उस्मान सीज़न 5 की पहला ट्रेलर जारी कर दिया जाएगा। प्रोमो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अब तैयार हो जाए उस्मानी, आज रात कुल उस्मान सीज़न 5 का पहला ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा और वो बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिलेगा। कौन कौन पुरजोश है इस ट्रेलर को देख, और भी बहुत सी अपडेट है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुल उस्मान सीज़न 5 की किस नंबर 131 और 132 की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और किसका ट्रेलर हमको आज रात 10 बजे देखने को नजर आएगा। और एक और नई खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि अलप अरसलान के दो सिपाही जिनका नाम अर्थुक और अवर बे है, वो हम कुल उस्मान सीज़न 5 में ओरहान गाजी के सिपाही के तौर पर देखेंगे। और इसी तरह एक और नई खबर आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, किंजक से ले लिया गया है, उसका नाम अर्स बे है और उसने कुल उस्मान सीज़न 5 की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। वो सीज़न 5 में हमको बाइज़ेंटाइन कमांडर गवर्नर वेसिलियस का किरदार अदा करते नज़र आएंगे। और इसी तरह बहुत सी और नई खबरें हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर हम बात करें इस अदाकार की, तो ये सीज़न 4 में वाहिद किरदार था जो बच गया था, तो क्या लगता है इसकी भी एंट्री सीज़न 5 में हो सकती है या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इसी तरह अगर हम बात करें दूसरी जो सीरीज़ है तुर्की की आने वाली, वो भी कोई खामोश नहीं बैठी, उनकी तरफ से बहुत सी खबरें रोज़ बरोज़ मिलना शुरू हो गई हैं और उनमें सर फहरिस्त है सलाहुद्दीन अयूबी, तो उस पर भी काम शोर ज़ोर से जारी है। और बहुत से किरदार हैं जो हम लोगों ने अर्तुरुल गाजी, उस्मान सीरीज़ और अलप अरसलान में देखे हैं, उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया है और वो सीरीज़ भी बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इस साल दो तुर्की के बहुत बड़े ड्रामे हैं, पहले नंबर पे कुल्लस उस्मान और दूसरे नंबर पे सलाहुद्दीन अयूबी, और इनका टाकरा होने वाला है। अब देखते हैं कि बुज़दाग जीते हैं या एमरे कोनक जीते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी सीरीज़ टफ टाइम हमको देगी और कौन सी सीरीज़ टॉप ट्रेंडिंग करेगी? तो सलाहुद्दीन अयूबी में जिन जिन किरदारों को ने अब तक कास्ट ज्वाइन कर ली है, उनमें शेख एतबाली आप लोगों का जाना पहचाना शख्सियत है, आप लोगों ने देखा होगा, और भी बहुत से किरदार हैं जो आप लोगों ने किसी न किसी ड्रामे में देखा होगा। तो उनका मेन किरदार तूतकिन, जो आपने अर्तुरुल गाजी के दूसरे सीज़न में आप लोगों ने देखा है, उसने भी कास्ट को ज्वाइन कर लिया और वो मेन किरदार अदा करेंगे सलाहुद्दीन अयूबी का। और इसके साथ कुर्तुगलू आपने अर्तुरुल गाजी के पहले सीज़न में देखा होगा कि उसने अर्तुरुल गाजी को कितना टफ टाइम दिया था, और अब वो सलाहुद्दीन अयूबी में हमको एक्शन में नज़र आए। और इस तरह बहुत से और नए किरदार हैं जो हम लोगों को सलाहुद्दीन अयूबी में नज़र आएंगे, और उसमें आप लोगों का जाना पहचाना शख्सियत जो अलप अरसलान के सीज़न 5 में गवर्नर के बेटे का किरदार जिस अदाकार ने अदा किया था, उसने भी सलाहुद्दीन अयूबी की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और इस तरह और भी बहुत से अदाकार हैं जिनमें अलप अरसलान की सीरीज़ में हाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने भी सलाहुद्दीन अयूबी के सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया है। और भी बहुत सी अदाकार हैं जो हमको एक्शन में नज़र आएंगे।